वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानियन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 2 का भी चैप्टर 2, ह्यूमन सेटलमेंट। तो अभी देखो, हम बुक 2 स्टार्ट कर चुके हैं। बुक 1 पढ़नी है तो प्लेलिस्ट लगा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हो। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, तो जाके आप पढ़ सकते हो इफ़ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है तो। एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2, ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम जानेंगे जैसे आप लोग का घर है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे घर के आसपास में और घर नहीं है, नहीं, हमारे घर के पास में बहुत सारे घर होते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा नेबरहुड है, ये हमारा मोहल्ला है, ठीक है। फिर हम कई जगहों पे, जैसे कभी गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार यहाँ पे जो लोगों के घर है ना वो काफ़ी पास पास नहीं है यार, दूर दूर बने हुए हैं। माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं तो हमें और अलग तरीके से दिखते हैं कि यार यहाँ पे तो मोहल्ले अलग टाइप से बने हुए, एक घर है फिर इतनी सारी जगह छुटी हुई है फिर दूसरा घर है। अब जो शहर होते हैं वहाँ पे लोगों के घर कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगाई होती है, बहुत बड़े बड़े घर खरीद नहीं पाते, ठीक है। जिनमें बहुत पैसा है वो खरीदते भी है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल थोड़ा कंपैरेटिवली साइज थोड़ा छोटा होता है। वहीं पे अगर हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं और लोगों के इतने बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, बाहर पूरा खेत है, पीछे अपना पूरा घर है, आंगन है, ये वो, तो ये सब क्यों होता है? तो ये सब डिपेंड करता है ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर। और आज हम जानेंगे वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हमारी इंडिया के अंदर कैसी है, यानी कि हमारे यहाँ गाँव के अंदर कैसे मोहल्ले बने हुए हैं, शहरों के अंदर कैसे बने हुए हैं, लोग किस तरीके से रह रहे हैं। दिस इज व्हाट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, जो हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 है, उसमें आप ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ चुके हो, अलग अलग टाइप के ह्यूमन सेटलमेंट के स्ट्रक्चर भी देख चुके हो। जैसे तुम गूगल मैप देखते हो ना और उसको जैसे जूम करके देखते हो, ऐसे ब्लॉक्स घर दिखाई देते हैं, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट कैसे हो रखी है पूरे इंडिया में, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो अगर ह्यूमन सेटलमेंट के बेसिक डेफिनेशन बोलो तो क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स को हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो या किसी भी साइज की हो, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। क्लस्टर मतलब क्या होता है, इकट्ठा, एक झुंड टाइप आप मान सकते हो, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब क्या, घर हो गया जिसके अंदर इंसान रह रहे हैं, पूरा फैमिली चल रही है, तो क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग को, तुम्हारा घर, पड़ोसी का घर, पड़ोसी के पड़ोसी का घर, सामने वालों का घर, पीछे वालों का घर, बराबर वालों का घर, तुम सब मिलके क्या बना रहे हो, एक क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग बना रहे हो, और इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। तो तुम्हारा जो नेबरहुड है, तुम्हारा जो मोहल्ला है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट। अब कुछ ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, अरे बहुत पास पास में घर बने हुए हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं यार चिपके हुए घर है यहाँ पे, तो। और कुछ होते हैं भैया, एक घर है उसके बाद काफ़ी जगह छुटी हुई है, फिर दूसरा घर है, फिर ऐसे है बीच में एक पूरा खेत आ रहा है, तो वो अलग सेटलमेंट होती है। तो टाइप्स क्या होते हैं सेटलमेंट के, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट डिटरमाइन करती हैं उस जगह के एरिया में कैसी रिसोर्सेज है। जैसे जहाँ पे ना कहा जाता है कि जहाँ पे पानी होता है, ठीक है, वहाँ आसपास में बहुत लोग रह रहे होते हैं। जैसे हमने हरप्पन सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़ लिए हैं जहाँ पे जो है ना ऐसे, मतलब पानी अगर पास में से जा रहा है, रिवर वाटर है, पानी की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। अब बहुत सारे लोग रहने एक लैंड के ऊपर, तो घर कैसे होंगे, चिपके चिपके होंगे, यानी कि पास पास में बने होंगे, क्योंकि लैंड एरिया कम है और रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो सेटलमेंट डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की होती हैं, हैमलेट से लेके आप कह सकते हो क्लस्टर्ड सेटलमेंट तक, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट से पहले आपको एक बार एक विलेज और जो अर्बन सेंटर है, यानी कि जो शहर है, उनका डिफरेंस बता रखा है। तो अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज में बेसिकली जो सेटलमेंट होती है वो स्पार्सली लोकेटेड होती है, स्पार्सली मतलब दूर दूर लोकेटेड होती है। जो घर होते हैं, हाँ घर होते हैं आसपास में, बट इतने भी पास में नहीं होते जितने शहर के अंदर होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं विलेज। और विलेज में दूसरी चीज़ जो सबसे स्पेशलाइज्ड होती है कि विलेज में ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी पे फोकस होता है, ज़्यादातर खेती होती है विलेजेस के अंदर। अब अगर हम बात करें शहर की, तो शहर में ना लार्जर सेटलमेंट होती है, शहर में ऑब्वियसली शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, विलेजेस में कम लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू शहर। और जो शहर है वहाँ पे जो है मेनली कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, कोई लोग टर्शियरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ये रहता है हमारे शहरों का सीन, ठीक है जी। चलो अब रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट का हम डिफरेंस जानेंगे लाइन बाय लाइन, कि भाई शहरों में और गाँव में क्या फ़र्क होता है। तो अगर हम बात करें रूरल सेटलमेंट की, तो यहाँ पे जो रूरल सेटलमेंट है, यहाँ पे बेसिकली जो लाइफ चलती है लोगों की वो प्राइमरी एक्टिविटी से चल रही होती है, लाइवलीहुड, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, लाइव स्टॉक रेयरिंग, बहुत सारे जो हमने पढ़ा है ना कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है ज्योग्राफी वाले फर्स्ट बुक वाले चैप्टर में, उस पर डिपेंडेंट होती है। शहर की बात करें तो शहर में ज़्यादातर क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, ये शहर का होता है, ठीक है।
तो जो शहर होते हैं, शहर का बेसिक काम क्या है, शहर गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करता है सभी को, सिर्फ शहर वालों को नहीं, इनफैक्ट गांव वालों को। जैसे आप मानो कि गांव से जो है ना वो जा रही है, गांव से बहुत सारा गेहूं आया शहर के अंदर इंडस्ट्री है, और उस गेहूं से क्या बन गया है, उस गेहूं से ब्रेड बन गई, बिस्किट बन गए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बन गए। अब बिस्किट तो भाई गाँव वाले भी खाते हैं, ठीक है, बट वहाँ पर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है ना जो बिस्किट बना के, नहीं तो क्या होगा, शहर से फिर एक ट्रक में बिस्किट विस्किट भर के और चिप्स वगैरह जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रस बन गई और भी बत्तेरी चीज़ें हो गई, वो सब कहाँ आएंगी, वो वापस गाँव में आएंगी। गाँव में जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पे वो गांव वाले अपने घर दुकानों पे रखेंगे और गांव उस दुकान से खरीद लेंगे। तो भाई जो शहर है वो ऐसा नहीं है कि वहां पे शहर में अगर इंडस्ट्री है, शहर में जो सर्विसेज है वो सिर्फ शहरी लोगों को ही मिलती हैं, वो विलेजेस तक भी पहुंचती हैं, जो शहरी इंडस्ट्रीज का जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है। कोई कपड़े बन रहे हैं, शहर के अंदर इंडस्ट्री है, वहां पे सूट बन रहा है, साड़ी बन रही है, वहां पे टी शर्ट बन रही है, पजामा बन रहा है, तो ये सब क्या है, शहर की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बना हुआ है। अब हर गांव में भी जो है इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर वो ट्रक में लोड होके वो गांव तक पहुंचेगी। तो ये चीज़ लिखी है कि शहर जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर होता है, शहर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है अर्बन ड्वेलर्स को ही नहीं, इनफैक्ट जो है रूरल सेटलमेंट को भी, इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स। और जो है ये सब चीज़ें बनाने का, शर्ट बनाने का, बिस्किट बनाने का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो भी तो प्राइमरी एक्टिविटी से आते हैं, यानी कि वो गांव से आ रहा होता है, ठीक है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल शहर के और गाँव के रिलेशनशिप के बीच में क्या करता है, ये ट्रक जो मैं कह रही हूँ, फ़ोन करना, ट्रक और जो रेलवेज हो गए, हमारी जो गाड़ी नहीं होती जिसमें सारे गुड्स जाते हैं वो हो गए हमारे। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक आप कह सकते हो लिंक है हमारा शहर से गांव तक चीज़ें पहुंचाने का और गांव से शहर तक चीज़ें पहुंचाने का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बिना भी हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी, प्राइमरी सेक्टर के बिना भी रुक जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर के बिना भी रुक जाएगी, इसलिए तीनों ही जो ये हमारे सेक्टर्स होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑल्सो। कई बार हम देखते हैं कि शहर में और जो गांव होते हैं वहाँ पे लोगों की सोशल रिलेशन भी अलग होते हैं, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड भी अलग होता है, वहाँ के लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। और जो रूरल पीपल के लोग होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, लेस मोबाइल मतलब यानी कि देखो वो ना ऐसे नहीं कि बहुत अपने गाँव तक ही रहते हैं, कि गाँव में बहुत गाँव के अंदर ही है, वहीं पर उनको सारी फैसिलिटीज़ है वो वहीं रहते हैं। अब कोई फैसिलिटी ऐसी है जो गाँव में नहीं है तो वो शहर में आएंगे, बट जो शहर के लोग हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, यानी कि कभी कहीं कहीं शिमला तो कभी मसूरी तो कभी भैया गोवा जाना है, तो कभी कहीं भैया मेरे तो ऑफिस जाना है, मेरे को ऑफिस से टू ऑफिस की ट्रिप है, ऑफिस से कुछ वर्क मिला है मुझे, वहाँ उस शहर जाना है, उस शहर में जाना है, ये वो फलान ढमकाना। और जो है हम तो भाई दिल्ली रहते हैं, नोएडा जो है नोएडा रहते हैं, दिल्ली तक जॉब करने जाना है, यहाँ रहते हैं वहाँ तक जॉब करने जाना है। तो जो शहर के लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स ही ऐसी होती हैं, उनका जो काम है वही ऐसा होता है एज़ कम्पेयर टू गाँव के लोग, ठीक है, क्योंकि गाँव के लोगों का वहीं अपना एग्रीकल्चर हो रहा है, वहीं पीछे अपना खेत है, वहीं अपना घर है, तो वो उसी एरिया में जो है ज़्यादातर जो है रहते हैं। और शहर के लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं ऐसा कहा गया है कि इनके ना जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, यानी कि जो गांव वाले होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे जैसे हम देखते हैं ना शहर में, तो हमारे को चार कदम दूर जो कोई पड़ोसी रहता हो ना, लोगों की बातचीत नहीं होती आजकल, पता नहीं कौन रहता है। इवन आप जाओगे आजकल बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में, लोगों को यही नहीं पता होता तीन फ्लैट छोड़ के कौन रह रहा है, क्या नाम है उसका, क्या सरनेम है उसका, क्या काम करते हैं। गांव में ही नहीं होता है, तुम्हारे 20 घर दूर भी अगर कोई जो है घर है उसका भी पता होगा, अच्छा ये तो फलाने का घर है जी। तो ये गांव में होता है कि गांव में जो सोशल रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको पता चले हैं गाँव के एंड शहर के। अब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट हम देखने वाले हैं कि रूरल एरियाज में सेटलमेंट किस टाइप की होती है, यानी कि गाँव में जो सेटलमेंट है, जो लोगों के घर बने होते हैं वो किस टाइप से बने होते हैं। तो गाँव में जो है कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड सेटलमेंट होती है, जहाँ पे फ्यू हंड्रेड हाउसेज बने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने गाँव देखे हैं नदर्न प्लेन्स के हमारे, यानी कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जितने भी गाँव हैं वहाँ कैसी सेटलमेंट है, कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड है, यानी कि बहुत बड़े बड़े गाँव नहीं है, ठीक लेवल के गांव है, और वहाँ पे जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो वो चिपके चिपके बने होते हैं एक दूसरे से। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 100 हाउसेस कॉमन है हमारे यहाँ के विलेजेस के अंदर, ठीक है। अब वेराइटी ऑफ रीजंस होते हैं जिसके ऊपर आप कहोगे कि एक गांव में जाके लोग सेटल होंगे। अब क्योंकि कोई गांव आप ऐसे भी पढ़ोगे जहाँ भैया 15 घर भी नहीं है, और कोई ऐसे हैं 100 है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि एक में 100 रह रहे हैं और एक में 15 रह रहे हैं। तो वही फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि तुम वहाँ पर जाके रहोगे या नहीं रहोगे। जैसे कि फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है नेचर ऑफ टेरेन। अब अगर पहाड़ों के गाँव हैं तो वहाँ पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि वहाँ पे रहना मुश्किल है। वहीं पे प्लेन एरिया के गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ रहना आसान है, ठीक है। जहाँ डेजर्ट होगा वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, जहाँ कोल्ड डेजर्ट होगा वहाँ भी पॉपुलेशन कम होगी। अच्छा क्लाइमेट है, पॉपुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पे वाटर आसानी से मिल रहा है वहाँ पे भी ज़्यादा लोग रहेंगे, अब जहाँ बहुत कम पानी है वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। कल्चर और एथनिक फैक्टर्स पे भी डिटरमाइन करता है कि जहाँ पे पर्टिकुलर कास्ट के लोग रह रहे हैं, पर्टिकुलर जो है रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इस बेसिस पे भी हमारे यहाँ पे गांव होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फैक्टर्स के बेसिस पे भी जो है गांव में ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट होती है, यानी कि लोग अपने घर बना रहे चिपके चिपके और बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं। सिक्योरिटी रीज़न कि भाई कोई शेर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, लुटेरे ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए भी लोग अपने घर जो है गाँव में पास पास में बनाते हैं। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो रूरल एरियाज के सेटलमेंट, अब ऐसा नहीं है कि हर जगह में जो गाँव के अंदर पास पास में घर होते हैं, कुछ होते हैं बहुत दूर बने होते हैं, तो आप 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पढ़ोगे जैसे इंडिया में है हमारे रूरल एरियाज के घरों के। तो पहला है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड आप नाम से ही समझ सकते हो, चिपके हुए, थोड़े से चिपके हुए घर बने हुए हैं, ठीक है। क्लस्टर एक तरीके का, जैसे कि ये मानो तुम कि ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, तो ये पास पास में ये घर बने हुए हैं, यहीं पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है, चलो। और दूसरा होता है, भी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, दूसरा होता है उसमें सेमी क्लस्टर्ड, यानी कि चिपके हुए होंगे बट ऐसे भी नहीं होंगे, फैले हुए होते हैं ये, मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी तब समझोगे तुम इसको अच्छे से, और ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हैमलेटेड सेटलमेंट, एंड उसके बाद आप लोगों का आने वाला है डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। चलो चारों बताती हूँ मैं आपको, और इन चारों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्लस्टर्ड सेटलमेंट की। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट का अगर हम देखें तो इसमें कॉम्पैक्ट और क्लूजली बिल्ट हाउस होते हैं। कॉम्पैक्ट हाउस यानी कि बहुत बड़े बड़े हाउस भी नहीं है, ठीक है, और क्लूजली बिल्ट होते हैं, चिपके हुए घर बने होते हैं। जनरल लिविंग एरिया सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म और बॉर्न। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक गाँव है और यहाँ पे काफ़ी सारे इनके घर बने हुए हैं, ये गाँव वालों के घर बने हुए हैं, बीच में सड़कें हैं, घर है, घर है, और ये घरों वाला एरिया हो गया। अभी घरों वाला जो एरिया है वो उनका जो बान है, बान का होता है जहाँ पे जो है खाना जो है अनाज जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, और जो फार्म है उससे अलग होता है। यानी कि ये एरिया ऐसा हो गया जहाँ पे सारे खेत वेत हैं, और ये एरिया हो गया जहाँ पे लोगों के घर हैं, और जहाँ पे घर होते हैं वो पास पास में चिपके चिपके होते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब जब ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट बनती है तो अगर हम ऊपर से अगर ड्रोन व्यू देखेंगे तो उसमें शेप हमें कैसे दिखाई देती है, कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, जैसे लीनियर पैटर्न, यानी कि एक ही लाइन में सारे घर बने हुए हैं, रेक्टेंगुलर सी शेप जैसी मैंने यहाँ पे बनाई है, ये पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि अगर आप इसको अगर ड्रोन व्यू से देखोगे, देखते हैं हमें कुछ समझ में इसमें आता है नहीं आता, देखो हमारी बुक में गिवन है ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट की फोटो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्लस्टर्ड सेटलमेंट में, जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसे फैला हुआ रेक्टेंगुलर सी शेप में आपको सारे घर जो है चिपके चिपके ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडिया में कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ये प्रैक्टिस होता है, बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड में ये प्रैक्टिस होता है, एंड इनफैक्ट राजस्थान में भी होता है। अब राजस्थान में क्यों होता है काफ़ी गाँव में ये, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, यानी कि पानी की किल्लत है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, तो इसलिए जहाँ पर पानी होता है तो उसके पास में ज़्यादा घर बने होते हैं, ठीक है जी। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट, जो हो गया हमारा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पे ना फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट होती है, फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़े हैं, एक जगह पे टुकड़े हैं, और जो है ऐसा होता है ये, मतलब कि तुम समझो कि अलग अलग टुकड़े जो है वो एक से दूसरी जगह जमा हो रखे होते हैं। जैसे कि ये देखो, इसमें भी चिपके चिपके घर हैं बट काफ़ी दूरी पे होते हैं, ग्रुप्स बने हो रखे होते हैं, यानी कि ग्रुप सिस्टम चलता है, यानी कि ये एक घरों का क्लस्टर हो गया, फिर इससे बहुत दूर जो है ये दूसरे घरों का क्लस्टर हो गया, ठीक है, मेन में सेंटर में कुछ घरों का क्लस्टर हो गया, गांव के एक इस कोने पे गांव के काफ़ी सारे लोगों के घर हैं, एक इस कोने पे गांव के काफ़ी सारे लोगों के घर हैं। तो ये क्या हुआ, अगर तुम इसको देखोगे तो गाइज़ ये भी तो एक टाइप का क्लस्टर है, ये क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, 4, 5,
बट देखोगे अगर तो काफ़ी दूर दूर भी है इस, ये और ये कितनी दूर है, ये और ये कितनी दूर है, ये और ये कितनी दूर है, तो जैसे कि आपको इस फोटो में विजिबल होगा। तो इस टाइप की सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की सेटलमेंट को हम सेमी क्लस्टर्ड कहते हैं। ये क्लस्टर भी है बट सेमी है, यानी कि हाफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इसमें क्या है, ये एक झुंड हो गया, फिर थोड़ी दूरी पर एक झुंड हो गया, फिर थोड़ी दूरी पर एक झुंड हो गया घरों का। अब ऐसा क्यों होता है, इसका होने का रीज़न क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेग्रेशन और फ्रैगमेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज, यानी कि यहाँ पे एक विलेज बड़ा है बट उसको सेग्रीगेट कर रखा है कि भैया एक कोने पे बहुत सारे घर हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कोना आएगा वहाँ बहुत सारे घर हैं। ऐसा क्यों होता है, तो वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और विलेज। तो ऐसी उन जगहों पे होता है जहाँ पे कुछ लोगों को जो है या तो वो अपनी मर्जी से कि भैया हम इस एरिया में रहेंगे, हम तो हमारा तो ये वाले एरिया में सेट बैठते हैं, हम यहाँ रहेंगे, या फिर उन्हें फोर्स करा जाता है कि नहीं आप लोग इस एरिया में रहोगे। इट्स ऑफन कि ये जो होता है ना, ये डोमिनेंट कम्युनिटी जो हो गई कि जो लोगों पर थोड़ा पैसा है, जो थोड़े रिच लोग हैं, जो डोमिनेंट लोग हैं, किसी भी हिसाब से आप डोमिनेंस मान सकते हो उनकी, तो वो जो सबसे बढ़िया एरिया होगा ना गाँव का उसे घेर के बैठ जाएंगे, उनका घर वहाँ होगा। फिर जो थोड़ी लेस डोमिनेंट कम्युनिटी है उसको कोई एक कोना पकड़ा देंगे तो ये उनके घर वहाँ पे है, किसी का एक घर कोने पे होगा। इट्स ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पे भी ऐसा हो जाता है, द वर्क पीपल आर परफॉर्मिंग इसका, ये वाले पर्टिकुलर टाइम के जैसे ज़मींदार वगैरह हो गए उनके तो बिल्कुल बीच में हो गए घर, फिर जो रेंटेड जो है लेबरर्स होते हैं उनके कहीं हो गए, ठीक है, और जो लैंडलेस लेबरर्स हो गए उनके कहीं और हो गए, किसी का कोई और काम है उनके घर कहीं और हो गए, इस टाइप से ये होता है। ठीक है, तो पीपल ऑफ लोअर स्ट्राट ऑफ सोसाइटी एंड मेनी वर्कर्स जो है सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज। दिस इज व्हाट आई टेल यू कि डोमिनेंट कम्युनिटी तो ना मेन जो सेंटर होता है विलेज का उसे ऑक्यूपाई कर लेती है, और वो लोग जो लैंडलेस लेबरर्स है, जो वेज वर्कर्स होते हैं, उनको कोना पकड़ा देते हैं गाँव का कि तुम्हारे घर वहाँ पे होंगे, तो वो भी बहुत सारे इकट्ठे वहाँ पे घर में रहते हैं, वो सेंटर पे होते हैं डोमिनेंट कम्युनिटी के घर। दिस इज द सेमी क्लस्टर्ड वन। अब आया हैमलेटेड सेटलमेंट, तो होती है फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल जो है यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि इस सेटलमेंट में ना फ्रैगमेंट्स बने होते हैं, वो सेमी क्लस्टर्ड की तरह नहीं, बहुत बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स अगर आप ड्रोन व्यू से देखोगे वो विजिबल होंगे आपको कि एक एरिया में 6 घर बने हैं, फिर उससे बहुत दूर जाके 6 घर हैं, फिर उससे बहुत दूर जाके 6 घर बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इट्स ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो जो यूनिट्स होती हैं वो अपने अपने रिलीजन के बेसिस पे, अपने अपने कास्ट के बेसिस पे भी हैमलेटेड सेटलमेंट बना लेते हैं। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पारा, पाली, नागला, धानी एक्सेट्रा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो सोशल और एथनिक फैक्टर्स के बेसिस पे ही ये जो है ना घर बने होते हैं कि एक एरिया में घर है, फिर दूसरे एरिया में बहुत दूर बाद घर है, फिर है। ठीक है, चलो, दिस सेगमेंट्स ऑफ अ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि आप भी कहाँ रहना चाहोगे जहाँ आपके रिलीजन के लोग रहते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन, आप कहोगे कि भाई मेरा पड़ोसी भी मेरे रिलीजन का कंपैटिबिलिटी होगी मेरी उसके साथ में, कोई फेस्टिवल है सब साथ में मनाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर होती है ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा नहीं है कईयों में नहीं भी होती, बट ऑफन देखा जाता है कि आप अपने जो आपका रिलीजन है आप चाहोगे आपके नेबरहुड में सारे आपके रिलीजन के लोग हो। ठीक है, कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ रिलीजन की बात कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक रिलीजन की एक नेबरहुड बनाते हैं, अरे यहाँ ज़्यादातर डोमिनेंट में ये वाले रिलीजन के या यहाँ पे सारे ना इस वाले रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ये किसी किसी गाँव के अंदर ये स्पेसिफिकली फॉलो करा जाता है कि एक एथनिसिटी के लोग, किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ को फॉलो करने वाले लोग, कोई एक काम करने वाले लोग हो गए, कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कोई एक आइडेंटिटी के लोग होगा, वो रहेंगे अपने इकट्ठा एक एरिया के अंदर, वो किसी और को वहाँ नहीं आने देंगे। फिर उससे दूरी पे एक डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं, इसको हम कहते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। सच विलेजर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, एंड लोअर वैली ऑफ द हिमालयस में ये मिलते हैं। बेसिकली लर्न यही करना है कि इंडिया में हैमलेटेड सेटलमेंट कहाँ पे जो है पाई जाती है। ओके जी, चलो लास्ट आता है हमारा डिस्पर्स सेटलमेंट, इसको तुम मान सकते हो वो जो करेजा का वर्ली डॉग शो आता था ना, चलो तुमने तो वो नहीं देखा होगा, वो सोच लो तुम। ठीक है,
अगर देखा भी है तो ठीक है, जैसे वो लेंचो का घर नहीं था हमारा क्लास 10 में, वो चैप्टर था हमारा लेटर टू गॉड वाला, वहाँ हमें बताया था लेंचो का घर बिल्कुल अकेली एक पहाड़ी पे है, तो मतलब वहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट होगी कि कहीं दूर जाके एक घर है, फिर उससे बहुत दूर जाके एक घर है, फिर उससे बहुत दूर जाके एक घर है, इसे हम कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। जैसे देख रहे हो घर के भाई ऐसी जगह क्या है, ये कोने पे एक घर, एक कोने पे एक घर, दिस इज डिस्पर्स सेटलमेंट, यानी कि लैंड बहुत सारा है, किसी एक कोने पे किसी का बड़ा सा घर है, किसी एक कोने पे किसी का घर है, दिस इज द डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, तो डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स और फ्यू हट्स इन अ रिमोट जंगल्स। तो जैसे कि कहीं पे एक हट्स बने हुए हैं या हैमलेट्स, यानी कि 6-7 हट बनी हुई हैं, ठीक है, ये रिमोट एरियाज़ में जंगल में या स्मॉल हिल्स में पाया जाता है विद फार्म और पास्चर्स ऑन द स्लोप। तो ये ज़्यादातर ना पहाड़ियों पे देखे जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा लेंचो का घर भी एक पहाड़ी पे था, तो पहाड़ी के ऊपर घर हो जाता है और जो उसके स्लोप होते हैं पहाड़ी के, या तो वहाँ पर फार्मिंग कर ली जाती है या वहाँ अपनी भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन। अब ये एक्सट्रीम डिस्पर्समेंट की भाई क्या हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई आपस में, क्या चक्कर है जो इतनी दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे से घर बना के, कोई नफरत है या कोई तुमने एक दूसरे से बहुत ही बड़ा लड़ाई हो गई है आपस में पड़ोसियों की, ये कोई रीज़न नहीं है कि इसलिए इन्होंने इतनी दूर जाके घर बनाया। नहीं भाई, नेचर ही ऐसा है लैंड का जहाँ पे इनको घर बनाना है, भाई ये एरिया पे इन्हें पर्टिकुलर सुटेबल है कि अच्छा यहाँ घर बन सकता है, इतना स्लोप भी नहीं है, इतनी ऊंचाई भी नहीं है, तो यहाँ घर बनाया। फिर एक ये एरिया थोड़ा सेटल्ड लग रहा है कि अच्छा यहाँ, फिर यहाँ पे बहुत ढलान है तो भाई ढलान से नीचे यहाँ एक घर बना, अरे यहाँ भी बन सकता है, यहाँ बना लो। तो ये इस टाइप पे ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड एरिया पे जो है घर बने जाते हैं, और रिसोर्सेज के ऊपर भी कि यहाँ रह रहे हो तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आसपास में, उस बेसिस पे बनते हैं। मेनी एरियाज हमारा मेघालय के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, केरला के, इस टाइप की सेटलमेंट देखी जाती है। ठीक है, चलो अब एक बॉक्स पढ़ा देती हूँ जो आपकी बुक में गिवन है। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइन करता है अर्बन सेटलमेंट, अर्बन, अब शहर की डेफिनेशन आ गया, चलो शहर की एक डेफिनेशन पढ़ लो, ये ब्लैक पेन हो गया, ये मैंने शहर ही लिखा है। ठीक है, तो एक शहर, अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हमारा विलेज और विलेज की सेटलमेंट, अब शहरों पर मूव करेंगे। तो चलो शहर की डेफिनेशन देखते हैं। ऑल प्लेसेस, शहर क्या है, वो सभी प्लेसेस जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, या नोटिफाइड टाउन एरिया कहा जाते हैं, ठीक है, या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, एंड हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन, एटलीस्ट 70% ऑफ मेल वर्कर्स आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट, एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर को हम अर्बन एरिया कहते हैं। तो इसमें से बहुत वन मार्कर्स आ सकते हैं, ये 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगर तुम्हारे शहर, तुम जहाँ रहते हो वहाँ म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो मतलब तुम शहर में रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शहरों का होने के लिए 5000 तो पॉपुलेशन होनी ही चाहिए मिनिमम, साथ में 75% ऑफ मेल वर्कर जो है वो नॉन एग्रीकल्चर में जो है एम्प्लॉयड होने चाहिए, और साथ ही के साथ में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए, कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है 400 लोग रह रहे हों, अगर उससे कम है तो मतलब वो गाँव हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं हमारे अर्बन सेटलमेंट पे, कि शहरों के अंदर सेटलमेंट कैसा होता है। जैसे तुम देख सकते हो कि एक शहर के सेटलमेंट का व्यू दिख रहा है, तो यू कैन सी कि यार क्या भीड़ लगी पड़ी है, वो घर ही घर दिख रहे हैं, घर ही घर दिख रहे हैं, बीच में कुछ कुछ पेड़ है, पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये अर्बन सेटलमेंट होती हैं। जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें हमने हर टाइप के सेटलमेंट पढ़ी थी, वहाँ और अच्छे से तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम अपनी अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट, तो अनलाइक रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो जो ये होती है ना सिटी, शहर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं साइज में। दे आर एंगेज इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं शहर के लोग, नॉन एग्रीकल्चर हो गए, इकोनॉमिक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गए। एज मैंशर्ड अर्लियर, जो सिटीज़ हैं वो जो है गाँव के बीच का जो है लिंक भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि शहर वाले सिर्फ शहर में ही रहते हैं, कोई उनका मतलब ही नहीं है गाँव वालों से, नहीं, गाँव वालों से सारा रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है और बाद में हम फिनिश गुड वहाँ जाके बेचते हैं। ठीक है, दस एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज समटाइम्स परफॉर्म डायरेक्टली एंड समटाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, द सिटीज़ आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेजेस एंड ऑल्सो विद ईच अदर। तो या तो हम लोग जो है गाँव से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, या बीच में फिर कुछ कस्बे आते हैं और फिर गाँव आता है, या डायरेक्टली हम लोग लिंक्ड होते हैं गाँव से। ठीक है जी, चलो अब आया हमारा
इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, हमारी कंट्री के अंदर जो टाउन है उनका इवोल्यूशन कैसा हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के शहर पढ़ोगे, जैसे कुछ हमारे धार्मिक शहर हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, ये धार्मिक शहर हैं, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसे टाउन्स पढ़ोगे जहाँ पे बहुत सारा ना मतलब इंडस्ट्रीज़ है, जैसे जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, फिर जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो इकोनॉमिक टाउन्स हो गए। इस बेसिस पे जहाँ पे बहुत सारा हेल्थ केयर है, मान लो इलाज कराने जाते हैं, वो वाले टाइप के टाउन, अलग अलग टाइप के शहर आप पढ़ोगे तो तुम्हें आज याद हो जाएगा कि कौन से शहर की क्या स्पेशलिटी है अपने जो है इस वाले टॉपिक से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे टाउन फ्लरिश करते हैं फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम। देखो ऐसा कहा जाता है जिस देश के अंदर ज़्यादा शहर हैं वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो हमारे यहाँ शहर हैं काफ़ी और पुराने ज़माने से है, ऐसा नहीं आज से। हरप्पन सिविलाइजेशन में भी हमारे यहाँ पे ऐसे शहर निकले थे, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, कि तुम देख के हैरान हो जाते, क्या बढ़िया बढ़िया शहर थे। हिस्ट्री भी अगर आपके पास है, मैं चैप्टर पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, हिस्ट्री नहीं भी है तब भी यू विल नो हमारे इंडिया का क्या पास था, वो जानोगे तुम उससे कि कैसा था हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन। 6 में भी पढ़ा था हमने, तो तब से हमारे यहाँ पे जो है शहर है, ठीक है। और अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जैसे यूरोपियंस आए और वैसे भी, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ था जो है शहरों का। अब इस इवोल्यूशन के बेसिस पे हम अपने शहरों को तीन जो है क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज में। जो हमारे टाउन है वो तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक है एंशियंट टाउन, यानी कि जो पुराने ज़माने के टाउन है, पुराने ज़माने मतलब एंशियंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है मेडिवल टाइम के टाउन्स और एक है मॉडर्न टाउन्स, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं मेडिवल टाइम के, एंशियंट टाइम के और जो है हमारे अभी के टाइम के टाउन्स कौन से हैं, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स। तो एंशियंट टाउन्स कौन से होते हैं जिनकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ने करते हैं तो लगभग 2000 साल पहले की भी अगर कोई हमारे को डॉक्यूमेंट मिल रहा है वहाँ पे भी इन टाउन्स का जिक्र है और उससे पहले में भी जिक्र है। तो ये होते हैं हमारे एंशियंट टाउन, मोस्ट ऑफ देम आर रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। आज के समय पे ये शहर ज़्यादातर रिलीजियस या कल्चर सेंटर, जैसे कि अगर आप बात करो अयोध्या की, जैसे कि आप बात करो वाराणसी की, तो 2000 साल के पता नहीं कब कितने कितने युगों पहले से ये जो है जो ये शहर हैं ये एग्जिस्ट करते थे। तो दीज आर द एंशियंट टाउन्स। तो वाराणसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन अमंग दिस। उसके बाद प्रयाग यानी कि हमारा इलाहाबाद, फिर पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है, मदुरई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंशियंट टाउन्स के। अब यही लर्न करना है एंशियंट टाउन की डेफिनेशन, चाहे तुम इतने अच्छे से लर्न नहीं करी हो कोई बात ही, खुद बना के लिख देंगे। ये टाउन लर्न करने हैं कौन कौन से एंशियंट टाउन है, ठीक है जी। चलिए अब आता है हमारा अगला, अगला आया हमारा मेडिवल टाइम के टाउन्स, जो मेडिवल टाइम में सेटल हुए। अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मेडिवल पीरियड। हमारे यहाँ के जो 100 शहर हैं उनमें से 100 लगभग ऐसे शहर हैं हमारी कंट्री के अंदर जो मेडिवल टाउन, मेडिवल पीरियड के अंदर ये टाउन अच्छे से इस्टेब्लिश हुए। मोस्ट ऑफ द देम आर हेडक्वार्टर्स, यानी कि ये तो उस जमाने के हेडक्वार्टर रहा करते थे या फिर यहाँ पे किंगडम्स बहुत अच्छे से जो है इस्टेब्लिश थे। दीज आर 4 टाउन्स विच केम अप ऑन द रुइंस ऑफ एंशियंट टाउन्स। इनको 4 टाउन्स भी कहा जाता है। ये जो एंशियंट टाउन्स का रुइन था ना उसके ऊपर बने थे, यानी कि एंशियंट टाउन वहाँ से ख़त्म हुआ तो उसका भी चीज़ों को यूज़ करके और फिर वहाँ पे 4 टाउन्स बनाए गए, कि यहाँ किले होते थे उस ज़माने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमंग देम आर दिल्ली, दिल्ली में आप देख रहे हो कितने किले हैं, ठीक है, क्यों है, वहाँ वो रहते थे ना रूलर्स, ठीक है। हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर, वहाँ पे राजा महाराजा लोग रहा करते थे। राजा महाराजा नहीं है तो उसके नोबल्स रहेंगे, नोबल्स नहीं है तो वहाँ उसकी कोर्ट है, वहाँ कुछ और काम है, वहाँ किले बन रहे हैं, दफ्तर हैं वहाँ उनके। तो इस तरीके से ये मेडिवल टाइम के टाउन्स थे। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर आर द मेडिवल टाउन्स, ठीक है। अब आया हमारा मॉडर्न टाउन, मॉडर्न टाउन कौन से है, तो वो आप मान लो जो ब्रिटिशर के ज़माने में ज़्यादा सेटल हुए थे, यूरोपियंस के ज़माने में, उन्हें हम कहते हैं मॉडर्न टाउन, ठीक है। स्टार्टिंग देयर फुट होल्ड ऑन द कोस्टल लोकेशन। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि ये तो पानी समुद्री रास्ते के थ्रू आए थे ज़्यादातर, तो इन्होंने या जो भी हमारे यहाँ कॉलोनी बनाने हैं, पोर्चुगीज भी आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने कोस्टल टाउन्स यानी कि जो समुद्री किनारे के पास में जो शहर बसे हुए थे उन पर अपना जो है पूरा अपना उनको आर्किटेक्चर स्टाइल दिया, अपनी जो पकड़ है ना वहाँ बनाई, जैसे गोवा, सूरत, दमन, पौंडीचेरी। अगर आप इन जगहों पे विजिट करोगे और इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो उसमें यूरोपियन टच आपको दिख जाएगा। आप गोवा जाओगे आपको पोर्चुगीज़
कल्चर और आर्किटेक्चर देखिएगा, तो वहाँ इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। फिर ब्रिटिश ने लेटर ऑन हमारे प्रिंसिपल एरियाज़ कौन कौन से कैप्चर कर रखे थे, तो मुंबई, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, कैलकाटा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो ब्रिटिश स्टाइल है, जैसे कि आप बॉम्बे में देखते हो कि बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जो ब्रिटिश स्टाइल में बने हुए हैं। जैसे हमारा वहाँ देखो आप दिल्ली में सीपी जो है, कनॉट प्लेस है, इतनी सारी बिल्डिंग है जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बनी हुई है। तो दिस इज़ वॉट, ठीक है। तो रैपिडली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू डेम, ठीक है। बाद में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज भी इनमें ऐड करे थे। टाउन बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्री भी इवॉल्व होने लगी थी 1850 के बाद में, ठीक है। तो पहले इन्होंने इन कोस्टल एरियाज पे अपना पकड़ बनाया, उसके बाद इन्होंने इन तीन एरियाज पे पकड़ बनाई, फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पे ना कैंट्स लगाए इन्होंने मिलिट्री एरिया में। कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जिनका कैंट बहुत अच्छा है, यानी कि जो आर्मी का जो एरिया होता है, वो आर्मी वाले बहुत सारा वहाँ पे सेटलमेंट था, वो टाउन हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ पे बहुत सरकारी दफ्तर थे इनके, ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए। और बाकी 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 आप मान लो ब्रिटिशर के चित्री में वहाँ पे कोर्ट कचहरियाँ लगती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है, वो वाले टाउन बने। टाउन बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्री बनी, जैसे कि 1850 के बाद जो है वो भी इन्वॉल्व होने लगी थी। जमशेदपुर इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये आते हैं हमारे मॉडर्न टाउन्स में, ठीक है जी। अब अर्बनाइजेशन हम इन इंडिया पढ़ेंगे, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर जो शहरी कल्चर है, जो शहर है वहाँ पे कितने परसेंट पॉपुलेशन के रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं उतना ज़्यादा कहा जाता है कंट्री में डेवलपमेंट है। तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बनाइजेशन आपके अरे कितने लोग शहर में रह रहे हैं पता लगा लो, अर्बनाइजेशन पता लग गई। तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अगर हम 2011 के हिसाब से देखें तो इंडिया में थी 31.16%, विच इज़ क्वाइट लो एज कंपेरिजन टू द डेवलप कंट्रीज, जो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा लोग शहर में रह रहे हैं, ठीक है। टोटल अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, तो बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, बढ़ रही है। आजकल लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। इनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर बड़े हो रहे हैं। इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन, कुछ कुछ ऐसे विलेज इतने ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं वो कि वो कल को टाउन बन जाते हैं, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द इकोनॉमी हम आज के समय पर देख रहे हैं, बट द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ स्लोड डाउन ड्यूरिंग टू डिकेट्स। बट अगर हम देखें तो लास्ट टू डिकेट्स, यानी कि पिछले 20 सालों से हमारे यहाँ जो शहरी कल्चर था ना, कि शहर बस रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है, पिछले 20 सालों से वो हमने थोड़ा कम देखा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो है हमारी कितनी तेज़ी से ग्रो करी थी, 1901 में जो ग्रोथ रेट था वो 0.35 था, फिर 8.27 हुआ, फिर ये देखो आप 40, 26, 38, 46 पहुँच गया था हमारा जो है, ये देखो आप हमारा 1981 के पीरियड में। तो 1981 में देख लो आपकी कितनी तेज़ी से लोग शहरों में आगे बस रहे थे, ठीक है। फिर 1991 में 36, 31, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतना ग्रोथ बड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे 31 है, यहाँ पे भी 31.08 है। तो ये क्यों है, मतलब हमारे यहाँ पे अभी हमें और डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, जिससे अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ पे हो, शहर जो है ऐसा ना हो कि शहर में फिर जो है रिसोर्सेज कम पड़ जाएँ लोगों के लिए और वो वहाँ पे भी आगे सेटल ना हो पाए। नहीं, हमें और इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, शहर में अच्छी जॉब्स फैसिलिटी हो, गाँव का भी विकास करने की ज़रूरत है कि गाँव में इतनी फैसिलिटी हो जाए, कहीं गाँव इतने ज़्यादा जो है ना उनमें इतनी फैसिलिटी आ जाती है, वो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर जाती है, तो वो भी शहर हम उनको कस्बा बोल देते हैं, फिर वो कल को शहर बन जाते हैं। तो हमें अर्बनाइजेशन करने के लिए डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं आ जाएगी अर्बनाइजेशन, शहर अपने आप नहीं बन जाएंगे। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दोगे, तो और जो है साथी के साथ में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक शहर नहीं बनेंगे। तो जब कंट्री में डेवलपमेंट आते हैं जो शहर अपने आप बनने लगते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन हम पढ़ेंगे, तो बाकी तो हम पढ़ चुके ना, ये मेडिवल एंशिएंट वाले तो टाउन हम पढ़ चुके। अब फंक्शन के बेसिस पे भी, कि एक शहर में किस टाइप का फंक्शन हो रहा है, उस बेसिस पे भी हम जो है टाउन को हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें आता है, अब सॉरी मैंने इसमें ना कोई फोटो नहीं लगाई है शहरों की, ठीक है, तो तुम ऐसे ही समझ लो। चलो, तो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पे हेडक्वार्टर है हाई ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं ये, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे हाई कोर्ट है, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो है आप मानो कि बहुत सारे बैंक्स हैं, वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, जहाँ पे बहुत अच्छा जो है हमारा जो है आप कह सकते हो कि ऑर्डर्स जहाँ से पास होते हैं, पूरा मतलब कि इंडिया का हमारा शासन जैसे चलता है ना, वो वाले टाउन्स मेन, ठीक है। तो इसमें आते हैं चंडीगढ़, न्यू दिल्ली ऑब्वियसली, भोपाल,
शिलोंग, गुवाहाटी जो है, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं जहाँ बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं हाई ऑर्डर्स के और एडमिनिस्ट्रेशंस यहाँ से होती हैं। अगला टाउन आया हमारा इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पे प्राइम मोटिव है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाने का और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत काम होते हैं। जैसे आज के समय पे ये है मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, ठीक है, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाली, ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्ट सिटीज़, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिटीज़ का मतलब कि ये जो सिटीज़ हैं ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बिजी है, कि यहाँ पे बहुत सारे जो है कंट्री के अंदर गुड्स जो आने होते हैं वो इनके कोस्ट पे लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि इनका जो समुद्री किनारे वहाँ आ रहे हैं, या रिवर रूट पे आ रहे हैं, या रेलवेज के थ्रू आ रहा है इनके यहाँ पे, या इम्पोर्ट यहाँ से हो रहा है गुड्स का, या एक्सपोर्ट होके गुड यहाँ आता है। तो कांडला, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम कोस्टल टाउन हो गए। इनलैंड हब की बात करें तो आगरा में, धुलिया में, मुगल सराय में, इटारसी में और कटनी के अंदर ये इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है। अरे हमारी कंट्री के अंदर भी तो जो है रोडवेज से, रेलवेज के थ्रू जो जो है ना गुड्स का ट्रांसफ़र होता है, वो ये ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं, ठीक है जी। चलो अब आया हमारा नेक्स्ट कमर्शियल टाउन, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, व्यापार बहुत हो रहा है, बिजनेस बहुत हो रहा है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना, बहुत और एग्जांपल पे, कुल ये तीन नहीं है खाली, और भी है बट अभी गिवन नहीं बुक में, तो चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है माइनिंग टाउन, जहाँ पे बहुत अच्छी माइनिंग होती है, रिच मिनरल जहाँ मिलते हैं, तो रानीगंज, झरिया, दिग्बोए, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ठीक है। तो मे भी कुछ तो देखो टाउन का जो है यहाँ पे आपको नहीं गिवन होगा, बट कोई बात नहीं। अब गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन, अब ये कैसे टाउन है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन, तो दिस टाउन इमर्ज एज अ गैरिसन टाउन्स सच एज अम्बाला, जलंधर, मोह, बबीना, उधमपुर। ओके, तो गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन यानी कि बेसिकली वो टाउन जिनको एस्टैब्लिश करा गया फॉर द मिलिट्री पर्पसेस एंड टू सर्विंग द मिलिट्रीज, ठीक है, तो ये वो टाउन है। तो यहाँ पे मिलिट्री एरियाज जो है बहुत है, मिलिट्री के ऑफिसेज है, ठीक है, ये हो गया। तो दिस टाउन्स इमर्ज एज गैरिसन टाउन सच एज अम्बाला, जलंधर, मोह, बबीना, उधमपुर। ओके, अब आया हमारा एजुकेशनल टाउन, यहाँ पे एजुकेशन के सेंटर, एजुकेशन का हब है, यहाँ पे मेजर कैंपस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, तो रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, अलाहाबाद, ठीक है जी। चलो आगे आता है हमारा ये रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, तो इसमें आता है हमारा वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, ठीक है, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये प्रोमिनेंट रिलीजियस और कल्चरल टाउन है हमारे। नेक्स्ट आता है हम लोगों का ये जो है हमारे टूरिस्ट टाउन, था घूमने घुमाने जाते हैं हम, ठीक है, नैनीताल, मसूरी, शिमला और पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, ऊटी हो गया हमारा, माउंट आबू हो गया, ये सब हो गया हमारे टूरिस्ट टाउन, ठीक है। दीज सिटीज़ आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, इनका बता रखा है द फंक्शन चेंज ड्यू टू देयर डायनामिक नेचर, इवन स्पेशलाइज सिटीज एज दे ग्रो इन टू मेट्रोपोलिसिस बिकम मल्टी फंक्शनल, वेयर इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा बिकम इंपॉर्टेंट, द फंक्शन गेट सो इंटरवाइंड दैट द सिटी कैन नॉट बी कैटेगराइज इन अ पर्टिकुलर फंक्शनल क्लास। अब यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जिनमें जिनका ना डायनामिक नेचर है, उनमें सभी टाइप का काम हो रहा है, यानी कि वहाँ टूरिज्म भी है, वहाँ इंडस्ट्री भी है, वहाँ बिजनेस भी है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहाँ ट्रांसपोर्ट भी है, तो कुछ ऐसे टाउन भी है जिनको हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते किसी चीज़ में, वहाँ तो सब कुछ ही हो रहा है, ठीक है। चलो चैप्टर कंप्लीट होता है, अब लास्ट ये जो पैराग्राफ है इसमें हमें ये बता रखा है कि काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ है दैट आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, सो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टाउन हैं जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है। अभी लास्ट एक वाइट कलर का बॉक्स है हमारा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो क्या है ये स्मार्ट सिटी मिशन, ऐसा नोट लिखने को आ सकता है, तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रमोट सिटीज़ दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन, यानी कि ऐसी सिटीज़ को नाम दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी का जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जो क्लीन है, सस्टेनेबल है और अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रही है उनके यहाँ के रहने वाले लोगों को। पहला फीचर क्या है स्मार्ट सिटी का, इज टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो है सर्विसेज, जैसे कि वो सिटी जहाँ पे लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर है, जहाँ पे ज़्यादा वो है नेचुरल डिजास्टर नहीं आते हैं, फ्यूअर रिसोर्सेज को ये यूज़ कर रहे हैं, चीपर सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, फोकस क्या है कि सस्टेनेबिलिटी होगी, बहुत एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचाया जाए, रिसोर्सेज को भी नुकसान ना पहुँचाया जाए और साथ में डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। और इनको जो है आप कह सकते हो ये इनको हम कहते हैं हमारा जो है स्मार्ट सिटीज़।
तो फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द आइडिया इज टू लुक एट द कॉम्पैक्ट एरियाज, क्रिएट अ रेप्लिकेबल मॉडल विच विल एक्ट लाइक अ लाइट हाउस टू अदर इंस्पायरिंग सिटीज. तो वी वॉन्ट कि हम कुछ एक ऐसी सिटीज बनाएं जिन्हें हम स्मार्ट सिटी कहें, और वो जो सिटीज हैं वो एक तरीके का मॉडल की तरह होंगी बाकी शहरों के लिए कि आप भी खुद को ऐसा बनाओ, क्योंकि इससे हमारी जब हमारी कंट्री में सारी स्मार्ट सिटीज बनने लगेंगी तो लाइफ इन आवर कंट्री विल बी वेरी पीसफुल और साथ ही के साथ में ईजी. ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर आपका ह्यूमन सेटलमेंट जल्दी से कंप्लीट कर लिया है हमने. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर. अगर इस चैप्टर के ज्योग्राफी के या ज्योग्राफी ही क्या ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट के या इंग्लिश के फिजिकल के आपको नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैंने सारे नोट्स लगा रखे हैं, सो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में.